हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू जॉब वीडियो। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में उपनल में लेटेस्ट अपडेट हुआ है दोस्तों, जिसमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामगढ़, रामनगर, नैनीताल, बाजपुर, भवाली, अल्मोड़ा, चंपावत, मनाली, टनकपुर, सितारगंज और धारचूला आदि क्षेत्रों में दोस्तों आउटसोर्सिंग के जरिए दोस्तों भर्ती होनी है, जिसमें पदों के नाम इस प्रकार हैं। इसमें दोस्तों लेटेस्ट अपडेट हुआ है 9 अक्टूबर 2023 को। इसमें नैनीताल में विविध एकेडमी, भवाली में डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल में आसलोटी की 2 वैकेंसी हैं, जिसके लिए 12 पास और 7 में शॉर्ट हैंड मांगा है। और पोस्टिंग के लिए से दोस्तों भवाली, दूसरी पोस्ट दोस्तों उधम सिंह नगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूएस नगर में आसलोटी के 13 पोस्ट हैं, जिसके लिए 12 पास और 7 में शॉर्ट हैंड होना चाहिए। पोस्टिंग के लिए से रुद्रपुर। अगली पोस्ट दोस्तों चंपावत में निकली है, डिस्ट्रिक्ट जज चंपावत में आसलोपी की 1 वैकेंसी है, इसके लिए 12 पास और शॉर्ट हैंड होना चाहिए। पोस्टिंग पहले से चंपावत। चौथी पोस्ट अल्मोड़ा में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोनीधार मनीला में अल्मोड़ा में निकली है, परिवहन मित्र की 1 वैकेंसी से निकली है, जिसके लिए 5 पास ओनली, 1 आर्मी, 1 नेवी और 1 एयरफोर्स और डिपार्टमेंटल, 1 यूएपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। पोस्टिंग पहले से मनीला। पांचवी पोस्ट निकली दोस्तों उधम सिंह नगर में, जिसमें दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बासपुर में मेडिकल अटेंडेंट की, स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है, जिसके लिए पैरामेडिकल अनुभव के साथ दोस्तों 2 वर्षीय अनुभव हो और हॉस्पिटल क्लिनिकल में काम किया हुआ होना चाहिए। पोस्टिंग दोस्तों ओनली 1 आर्मी, 1 नेवी और 1 एयरफोर्स और 1 यूपीएल कैंडिडेट के लिए पोस्टिंग के लिए से बासपुर। अगली पोस्ट दोस्तों छठवीं निकली है, चंपावत में CMO चंपावत में एक्सरे टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, जिसके लिए 12 पास और DMRT होना चाहिए साथ में, 12 पास और DMRT, ओनली 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स और 1 यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। पोस्टिंग के लिए से चंपावत एंड टनकपुर। सातवीं वैकेंसी निकली दोस्तों नैनीताल में डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल में आसलोपी की 8 वैकेंसी है, जिसके लिए 12 पास और 7 में शॉर्ट हैंड होना चाहिए। पोस्टिंग प्लेस नैनीताल। और उधम सिंह नगर में दोस्तों सिडगुल सिदारगंज में गनमैन की 3 वैकेंसी है, जिसके लिए वैलिड गन लाइसेंस, ओनली 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स कंटेड इसे भर सकते हैं। पोस्टिंग प्लेस है सिदारगंज। नवीं पोस्ट उधम सिंह नगर में ही निकली दोस्तों रीजनल मैनेजर सिडगुल सिदारगंज में गनमैन की 5 वैकेंसी, जिसके लिए भी दोस्तों वही योग्यता मांगी है। पोस्टिंग प्लेस है सिदारगंज। और दसवीं वैकेंसी उधम सिंह नगर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस उधम सिंह नगर में आसलोपी की 1 वैकेंसी, इसके लिए 12 पास और 7 में शॉर्ट हैंड और पोस्टिंग के लिए रुद्रपुर। 11वीं पोस्ट दोस्तों पिथौरागढ़ में निकली है, NHPC धारचूला में गनमैन की 1 वैकेंसी है, इसके लिए भी योग्यता में दोस्तों लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड गन लाइसेंस और ये भी 1 से ओनली, 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए पोस्टिंग के लिए धारचूला। 12वीं पोस्ट उधम सिंह नगर में निकली है दोस्तों फीमेल कोर्ट में निकली है, फैमिली कोर्ट रुद्रपुर में पर्यावरण मित्र की 1 वैकेंसी, इसके लिए 5 पास होना चाहिए, 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स कैंडिडेट भर सकते हैं या 1 यूपीएल कैंडिडेट। पोस्टिंग पहले से दोस्तों रुद्रपुर। अगली 13वीं वैकेंसी दोस्तों नैनीताल में निकली है, रामनगर जनरल हाई कोर्ट नैनीताल में कुक और की वैकेंसी है दोस्तों 15, जिसके लिए 5 पास होने चाहिए और 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स और यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। पोस्टिंग पहले से नैनीताल। 14वीं पोस्ट नैनीताल में निकली दोस्तों चीफ फायर ऑफिसर नैनीताल में निकली है, पर्यावरण मित्र की 1 वैकेंसी, जिसके लिए 5 पास ओनली, 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स कैंडिडेट भर सकते हैं और 1 यूपीएल भी भर सकते हैं दोस्तों। पोस्टिंग पहले से रामनगर। 15वीं पोस्ट उधम सिंह नगर में निकली दोस्तों फैमिली कोर्ट रुद्रपुर में आसलोपी की 1 वैकेंसी, जिसके लिए 5 पास और 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स, 1 यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। पोस्टिंग पहले से रुद्रपुर। 16वीं वैकेंसी निकली है दोस्तों उधम सिंह नगर में फैमिली कोर्ट रुद्रपुर में परिवहन मित्र की 1 वैकेंसी है, और नैनीताल में निकली है दोस्तों फायर स्टेशन रामनगर में कुक की 1 वैकेंसी, और नैनीताल में ही दोस्तों फायर स्टेशन में कुक की 1 वैकेंसी, और इनके लिए सबके लिए योग्यता में 5 पास ओनली, 1 आर्मी, 1 नेवी, 1 एयरफोर्स और 1 यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। पोस्टिंग पहले से रुद्रपुर, रामनगर और हल्द्वानी और नैनीताल, इन सब में दोस्तों कुक की वैकेंसी निकली है फायर स्टेशन में।
और अगली वैकेंसी दोस्तों नैनीताल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़ नैनीताल में हासिल भी की वैकेंसी है। और नैनीताल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़ में पर्यावरण मित्र की एक वैकेंसी है। इसके लिए भी दोस्तों 5 पास और एक आर्मी एक नेवी एक एयरफोर्स कैंडिडेट भर सकते हैं। 22वीं पोस्ट दोस्तों ऊधम सिंह नगर में ही निकली, सिडगुल कुमाऊ मंडल रुद्रपुर में आसल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक वैकेंसी है। इसके लिए बीटेक सिविल एंड एक्स आर्मी एक्स नेवी एक्स एयरफोर्स या डिपार्टमेंटल एक्स यूएनएल कैंडिडेट भर सकते हैं पोस्टिंग प्लेस से रुद्रपुर। 22वीं वैकेंसी दोस्तों ऊधम सिंह नगर में निकली, सिडगुल मंडल कुमाऊ मंडल रुद्रपुर में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है। इसके लिए बीटेक और एक्स ओनली एक्स आर्मी एक्स नेवी एक्स एयरफोर्स कैंडिडेट भर सकते हैं और एक्स यूपीएल भी भर सकते हैं पोस्टिंग पहले से रुद्रपुर। और 24वीं वैकेंसी निकली है दोस्तों अल्मोड़ा में एसपी ऑफिस का अल्मोड़ा में पर्यावरण मित्र की एक वैकेंसी है। और नैनीताल में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रामनगर में लेब असिस्टेंट की दो वैकेंसी है। इसके लिए 10 पास और साथ में 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों किचन का। ओनली एक्स आर्मी एक्स नेवी एक्स एयरफोर्स या एक्स यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं पोस्टिंग पहले से दोस्तों रामनगर। और नैनीताल में निकली है दोस्तों होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट संबेला रामगढ़ में गनमैन की एक वैकेंसी है। इसके लिए भी दोस्तों वैलिड गन लाइसेंस होना चाहिए, एक्स आर्मी एक्स नेवी एक्स एयरफोर्स कैंडिडेट या एक्स यूपीएल कैंडिडेट भर सकते हैं। और 27वीं वैकेंसी नैनीताल में निकली होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रामगढ़ में माली की एक वैकेंसी है। और नैनीताल में ही दोस्तों होटल मैनेजमेंट की निकली है। और सभी अधिक जानकारी दोस्तों यूपीएल की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अभी जानकारी मेरे चैनल लाइक करें।